अस्सलाम वालेकुम, FSC सेकेंड ईयर। माई नेम इज़ हामना जावेद एंड आई विल टेक योर बॉटनी क्लासेस एंड माई अदर टू मेम्बर्स आर मैम साइमा सुहेल एंड मैम अनीसा, एज यू पीपल नो डैट। सो इन प्रीवियस लेक्चर मैम साइमा सुहेल डिस्कस्ड अबाउट द मेसेलसल स्टॉहल एक्सपेरिमेंट विच प्रूव दैट DNA रेप्लिकेट्स इन अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर। So to into today we will discuss about the replication process, how DNA replicates. So first of all, replication, it starts at very specific site on the DNA molecule, and this specific site is consisting of specific sequence of nucleotides. So of course, in replication process there are number of enzymes, number of polymerase enzymes are involved, and out of DNA polymerase 3, it is a most important enzyme. It is a most complex and much bigger enzyme than other polymerases, and it has role in catalyzation of the addition of nucleotides to the growing complementary strand of DNA molecule. अब ये आपके पास एक फिगर है जिसमें आपको नज़र आ रहा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस। रेप्लिकेशन जो है उसका ओरिजिन जो है किसी भी DNA की साइट पर जहाँ पर स्पेसिफिक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अवेलेबल हो वहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एट द सेम टाइम DNA जो स्ट्रैंड है DNA मॉलिक्यूल पर दो या तीन भी रेप्लीकेशन साइट्स हो सकती हैं, रेप्लीकेशन ओरिजिन हो सकता है। और उसमें आप देखेंगे आपके पास जो न्यूली जो डॉटर DNA डुप्लेक्सेस हैं डैट आर इन ब्राउन कलर, वो आपके पास ग्रो होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक DNA रेप्लीकेशन ऑफ DNA शो की हुई है। DNA आपको पता है कि डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है कंसिस्टिंग ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दैट आर कॉइल्ड विद ईच अदर, एंड हेयर यू कैन सी दैट सबसे पहले क्या होगा कि जो DNA मॉलिक्यूल है जो कि कॉइलिंग हुई हुई है उसको, वो अनकॉइल होगा। अनकॉइल होगा तभी तो आगे न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा। जैसे इसकी एक रेप्लिकेशन ओरिजिन यानी कि एक साइट स्पेसिफिक साइट पर जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है वहाँ पर DNA जो है वो अनकॉइल होगा, और वहाँ पर न्यूली जो स्ट्रैंड्स हैं न्यूली जो डॉटर मॉलिक्यूल है वो फॉर्म होगा बाय द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। और उसमें मेजर जो रोल है जिस एंजाइम का दैट इज़ DNA पॉलीमरेज 3 एंजाइम। ठीक है, तो अगेन 3 DNA पॉलीमरेज एंजाइम्स आर अवेलेबल, 1, 2 एंड 3। DNA पॉलीमरेज 1, इट इज़ रिलेटिवली मच स्मॉलर एंड नॉट मोर कॉम्प्लेक्स एंजाइम एंड इट हैज़ रोल इन सपोर्टिंग role in DNA replication process, while the DNA polymerase 3, it is much bigger, about 10 times bigger and more complex in structure, and it has role in catalyzation of the newly daughter strand. अगर आप सात वाली फिगर में देखें तो आपको क्लियर होगा कि DNA polymerase 3 एक कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर है दैट कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट सब यूनिट्स बीटा अल्फा ईटा, और ये तमाम सब यूनिट्स आपस में कम्बाइन होकर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा DNA polymerase 3 का। और इसका रोल यही होता है कि जो ग्रोइंग चेन है जो न्यूली जो स्ट्रैंड बन रहा है जो न्यू डॉटर स्ट्रैंड बन रहा है उसके अंदर उस चेन में न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाना, और ये एक सेकेंड में अबाउट 1000 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है। और इसका एक ये भी फीचर है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये खुद से इनिशिएट नहीं कर सकता। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्लास ये कि DNA सिंथेसिस खुद से ये इनिशिएट नहीं कर सकता, तो ये ज़रूरी है कि ऑलरेडी जो है उस जो पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए हुए हों। ठीक है, एक चेन न्यूक्लियोटाइड्स की ऐड हुई हुई हो और उसके साथ फिर ये आगे जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है। तो ऑलरेडी जो एक चेन है न्यूक्लियोटाइड्स की जो कि अटैच हुई हुई है विद पेरेंटल स्ट्रैंड उसके आगे जो है उस चेन के आगे जो फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं इट कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड्स टू द ग्रोइंग DNA स्ट्रैंड। तो यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर DNA पॉलीमरेज जो है वो खुद से इनिशिएट नहीं कर सकता रेप्लिकेशन प्रोसेस को, तो इट्स मीन के एक ऑलरेडी एक चेन जो है न्यूक्लियोटाइड्स की वो अगर अटैच है तभी ये आगे से प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकता है। अब वो जो ऑलरेडी अटैच जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है वो कहाँ से आएगी, तो एक और एंजाइम है प्राइमेज एंजाइम जो कि RNA प्राइमर बनाता है, और RNA प्राइमर जो है उसका सीक्वेंस अबाउट 10 RNA न्यूक्लियोटाइड्स पर वो कंसिस्ट करता है, एंड दैट इज़ कम्प्लीमेंट्री टू दी पेरेंट DNA
टेम्पलेट या पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड। अब सिंपल यही है कि अगर एक पेरेंट डीएनए में एडेनिन है तो अगर आरएनए प्राइमर बन रहा है उसके साथ, जो कि कौन बना रहा है, प्राइमेज एंजाइम बना रहा है, और वो आरएनए प्राइमर जो है, अगर पेरेंट स्ट्रैंड में एडेनिन है तो आरएनए प्राइमर जो है वो यूरासिल ऐड करेगा, यूरासिल थाइमिन नहीं ऐड करेगा। वो आपको पता है क्योंकि अगर हम डीएनए और आरएनए की डिफरेंशिएशन करें तो आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल होती है, नाइट्रोजीनियस बेसिस, ठीक है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसके आगे हमारे पास जो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है उसमें गवानीन है तो आरएनए प्राइमर में क्या होगा, साइटोसिन। तो इस तरह 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, वो बन गए, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा, उसको जो न्यूक्लियोटाइड आपके पास एक प्राइमर बना था आरएनए प्राइमर उसको वो रिकॉग्नाइज करेगा और उसके बाद उसके अंदर फर्दर डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ऐड करता जाएगा, ठीक है। तो जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं इन दी प्राइमर्स दे आर देन रिप्लेस्ड बाय दी, मतलब बाद में जो डिफरेंट इंजाइम्स हैं वो आएंगे, जो डिफरेंट इंजाइम्स हैं लाइक डीएनए पॉलीमरेज यूजली जो 2 है उसका ये रोल होता है कि वो प्रूफ रीडिंग करता है। प्रूफ रीडिंग मींस कि अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड ऐसा है कि वो गलती से कोई और अटैच हो गया है तो वो उसको रिप्लेस कर देगा बाय न्यू डीएनए न्यूक्लियोटाइड के साथ, ठीक है। तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो प्रेजेंट थे इन दी प्राइमर वो आपको पता है कि यूरासिल है, तो वो उसको बाद में क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा विद थायमिन के साथ, क्योंकि हम एक डीएनए स्ट्रैंड बना रहे हैं, डीएनए न्यूली डीएनए मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो न्यूली जो डीएनए स्ट्रैंड है, न्यूली जो डॉटर डीएनए स्ट्रैंड है उसमें यूरासिल तो नहीं हो सकता क्योंकि डीएनए में यूरासिल होता ही नहीं है। तो अब आरएनए प्राइमर ने बनना है, क्योंकि आरएनए प्राइमर अगर नहीं बनेगा तो आरएनए जो डीएनए जो पॉलीमरेज 3 है वो तो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं कर सकता। अगर उसने प्रोसेस स्टार्ट करना है तो इससे पहले आरएनए प्राइमर का होना ज़रूरी है। तो आरएनए प्राइमर में आपको पता है यूरासिल है, बट अगेन डीएनए पॉलीमरेज 2 जाके उस यूरासिल को रिप्लेस कर देगा विद थायमिन और हमारे पास एक कंप्लीट जो है वो डीएनए स्टैंड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद हम अगेन दूसरे कुछ करेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 के, इसमें आप देख सकते हैं अनदर फीचर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3, इट कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड्स ओनली टू द 3 प्राइम एंड ऑफ आर डीएनए स्टैंड। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है चीज़ समझने वाली, डीएनए जो स्टैंड होता है, जो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसका एक 5 प्राइम एंड होता है और उसका एक 3 प्राइम एंड होता है। अगर आप डीएनए जो स्ट्रक्चर है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि जो हमारे पास राइबोस शुगर होती है, ठीक है, उसमें 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो जो 5 कार्बन है उसके साथ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और उसी राइबोस शुगर में जो कार्बन नंबर 3 होती है, अच्छा कार्बन नंबर 1 के साथ वो नाइट्रोजीनियस बेसिस आ गई, कार्बन 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप आ गया। अब वो जो कार्बन नंबर 3 होती है ना उस राइबोस शुगर की, उसके साथ जो अगला न्यूक्लियोटाइड होता है उसके जो कार्बन 5 पे जो अटैच हुई हुई होती है फॉस्फेट ग्रुप, वो उसके साथ जो है वो कंबाइन हुआ हुआ होता है। तो इस तरह से इसकी चेन बनती है। तो जो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये हमेशा 3 प्राइम एंड की तरफ ही न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, 5 प्राइम पे नहीं करेगा। तो इट्स मीन के रेप्लिकेशन कहाँ से कहाँ जा रही है, 5 to 3 prime, कि एक एंड पर डीएनए जो स्टैंड है उसका एक एंड 5 है और दूसरा 3 है, तो ये 3 की तरफ ऐड कर रहा है, ओनली टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए स्टैंड। इट्स मीन्स के रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा 5 to 3 prime होगी। और आपको अच्छे से पता है कि जो डीएनए के स्टैंड्स हैं, जो 2 स्टैंड्स होते हैं जो कि आपस में कॉइल हुए हुए होते हैं, वो एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो जो न्यू स्टैंड्स हैं दे आर ओरिएंटेड इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो आपके पास अब 2 स्टैंड्स बन रहे हैं, दी न्यू स्टैंड्स दे मस्ट बी इलोंगेटेड बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स। अब हम देखते हैं हमारे पास 2 तरह के स्टैंड्स हैं क्लास, एक है लीडिंग और एक है लैगिंग, ठीक है। तो जो लीडिंग स्टैंड्स हैं वो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ इलोंगेट करेगा, ठीक है, और जो हमारे पास वो सिंपली जो है वो कैसे बन रहा है कि सिंपली न्यूक्लियोटाइड्स हम ऐड होते जा रहे हैं टू दी ग्रोइंग 3 प्राइम एंड चेन, ठीक है। वाइल जो लैगिंग स्टैंड है वो रेप्लिकेशन फॉर्क से यू नो अवे मूव करेगा, अवे इलोंगेट करेगा, और वो हमेशा शॉर्ट सेगमेंट्स की सीरीज में फॉर्म होगा जो कि बाद में उनको कनेक्ट किया जाएगा। और ये जो सेगमेंट्स होते हैं इनको हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं।
दीज आर अबाउट 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग, ठीक है, इन प्रोक्रियोटिक, वाइल इन यूक्रियोट्स, सॉरी इन यूक्रियोट्स, वाइल इन प्रोक्रियोट्स दीज ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स देर अबाउट 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। और ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं दे आर दीज आर सिंथेसाइज बाई डीएनए पॉलीमरेज थ्री इन 5 to 3 prime डायरेक्शन। आपको पता है कि रेप्लिकेशन की डायरेक्शन होती 5 to 3 prime है। इट बिगेन एट द रेप्लिकेशन फोर्क एंड मूव अवे फ्रॉम इट व्हेन द पॉलीमरेज इज इट रीच द 5 prime एंड ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड। अनदर एंजाइम डीएनए लाइगेज। अच्छा, ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं ना, ठीक है, यूक्रियोट्स में अबाउट 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग, वाइल इन प्रोक्रियोट्स अबाउट 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग, ये जो है इनको बाद में कंबाइन किया जाएगा, इनको बाद में ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है। और वो ज्वाइन कौन करेगा? डीएनए लाइगेज एंजाइम, जो कि अटैच करेगा इन फ्रेगमेंट्स को ताकि आपके पास एक कॉन्टिन्यूस लैगिंग स्ट्रैंड आ सके, ठीक है। तो डीएनए जो है उसकी फर्दर, अच्छा, डीएनए की फर्दर अनकॉइलिंग होती जाएगी। अनकॉइलिंग जैसे जैसे होती जाएगी, आपको पता है न्यू आरएनए प्राइमर विद द हेल्प ऑफ प्राइमेज एंजाइम वहाँ पर कंस्ट्रक्ट होंगे, देन डीएनए पॉलीमरेज थ्री आएगा, वो वहाँ पर जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा, ठीक है, और आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्ट करता जाएगा अनदर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। अब ये क्लास आपके पास एक डायग्राम है, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं कि इस डायग्राम में क्या क्या है। ये डायग्राम अगर आपको अच्छे से आती है तो इट्स मीन कि आपको जो होल प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन है वो अच्छे से आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले क्लास देखें, ये आपके पास एक पेरेंटल डीएनए हेलिक्स है जिसका देख लें एक प्राइम, एक जो एंड है वो थ्री है और एक 5 prime एंड है। जो 3 prime एंड है उसका एंड दूसरा वाला पार्ट होगा, दूसरा वाला जो एंड होगा उस स्ट्रैंड का वो 5 prime होगा, और जो 5 prime एंड है उसका दूसरा वाला जो एंड है उसमें क्या होगा? 3 prime होगा। तो सबसे पहले बच्चों इसमें अगर ये देखें, यहाँ पर ओपन हो रहा है ये स्ट्रैंड, ठीक है, तो वो करेगा हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम जो है उसका रोल होता है डीएनए जो स्ट्रैंड है उसकी अनकॉइलिंग करना। जब तक वो अनकॉइल नहीं होगा, न्यू डीएनए या डॉटर स्ट्रैंड जो है वो नहीं बन पाएंगे, ठीक है, तो उसकी वो अनकॉइलिंग करेगा। अनकॉइलिंग के बाद क्या होगा? आपके पास ये दो स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे हैं, ये एक फोक बन गई है। फोक देखिए, ये जो पूरा एक आपको अपेयरेंस नज़र आ रही है, इट इज़ लाइक अ फोक। तो ये दो स्ट्रैंड्स अलहदा हो गए। उसके बाद क्या होगा कि ये जो स्ट्रैंड्स हैं जो अनकॉइल हो चुके हैं विद हेलिकेज विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम, ये दोबारा इनकी कॉइलिंग ना हो जाए, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इनके साथ अटैच हो जाएंगी, ताकि और ये बेसिकली प्रिवेंट करेंगी स्ट्रैंड जो हमारे पास स्ट्रैंड्स ओपन हो गए ना अनकॉइल, इनकी दोबारा कॉइलिंग से इसको प्रिवेंट करेगी। उसके बाद आपको पता है कि डीएनए पॉलीमरेज थ्री जो है वो खुद से प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता, तो प्राइमेज एंजाइम आएगा, ठीक है। प्राइमेज जो एंजाइम है वो क्या करेगा? वो आरएनए प्राइमर बनाएगा। आरएनए प्राइमर जब बन जाएगा तो हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज थ्री आएगा। डीएनए पॉलीमरेज थ्री जो है कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, वो हमेशा 5 to 3 prime जो है वो ग्रो करता है। अगर आप ऊपर वाले एंजाइम में देखें, सबसे पहले आपने जो देखना है वो ऊपर लीडिंग स्ट्रैंड को देखना है। लीडिंग स्ट्रैंड में देखें क्लास, आपके पास जो है वो 5 to 3 prime में ये रेड कलर में जो है वो स्ट्रैंड फॉर्म होता जा रहा है। जैसे जैसे डीएनए पॉलीमरेज थ्री जो है वो आगे मूव करता जा रहा है, वैसे वैसे जो है आपके पास न्यूली जो फॉर्म स्ट्रैंड है या न्यूली डॉटर स्ट्रैंड जो है वो बनता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा लीडिंग स्ट्रैंड का, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बट इन लैगिंग स्ट्रैंड यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रैंड्स हैं वो अगर आप देखो तो वो एंड पे 5 prime है, ठीक है। तो लैगिंग स्टैंड जो है वो उसने जो है वो आपको पता है 5 to 3 prime बनना है, तो वो इस तरफ डायरेक्शन उसकी नहीं बन पा रही है, क्योंकि इस तरफ आपके पास जो एंड है वो 5 prime एंड खाली है, और आपको पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो 3 prime एंड की तरफ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, वो 5 prime पे नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो कॉन्टीन्यूस जिस तरह लीडिंग स्टैंड में कॉन्टीन्यूसली जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं ना, और लीडिंग स्टैंड बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर 3 prime एंड जो है वो खाली है, उस पर वो ऐड करता जाएगा और 5 to 3 prime डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होती जाएगी और लीडिंग स्टैंड बनता जाएगा। बट इन केस ऑफ लैगिंग स्टैंड,
इस पर 5' एंड खा ली है, अब यहाँ तो रेप्लिकेशन नहीं हो सकती, तो अब इसका जो अल्टरनेटिव मेथड है वो क्या है कि इसमें स्मॉल से फ्रेगमेंट्स बनेंगे जिनकी लेंथ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि दीज आर अबाउट 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स इन केस ऑफ यूकेरियोट्स, वाइल 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स इन केस ऑफ प्रोक्रियोट्स। तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, और ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स अगर आप देखें तो ये डायरेक्शन वही है कि 3' एंड पे ही ये ऐड कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स को, और 5 to 3 जा रहे हैं डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्लास सेम रहेगी, 5 to 3' डायरेक्शन, 3' एंड वो एंड है जहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जा रहे हैं, और रेप्लिकेशन चलती जा रही है फ्रॉम 5 to 3' डायरेक्शन में। तो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे, एक फ्रेगमेंट बना, उसके बाद जो पूरा ये जो हमारे पास सब यूनिट है, अगेन जो है वो प्राइमर आया, प्राइमेज आया, उसने आरएनए प्राइमर बनाया, उसके बाद डीएनए जो पूरा एक कंप्लीट एक सब यूनिट है डीएनए पॉलीमरेज 3 का, वो आया, उसने जो है अगेन फ्रेगमेंट बनाया, ठीक है। उसके बाद वो दोबारा जंप करेगा पीछे की तरफ, यानी कि जंप करते जाएंगे, एक फ्रेगमेंट बन गया, फिर जंप किया पीछे की तरफ, फिर फ्रेगमेंट बनाया 5 to 3' डायरेक्शन में, फिर फ्रेगमेंट बनाया, इस तरह करके लैगिंग स्ट्रैंड जो रेप्लिकेशन है वो होती जाएगी। अब ये फ्रेगमेंट्स बन चुके हैं, लेकिन इनके दरमियान में जो है वो कुछ स्पेसेस जो हैं वो खाली हैं, तो उनको डीएनए जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है क्लास, वो इसके अंदर जो है फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, जो स्पेसेस रह जाएंगी उनमें वो, क्योंकि सपोर्टिव रोल है ना इसका, डीएनए रेप्लिकेशन को सपोर्ट कर रहा है उसके पूरे प्रोसेस को, तो वो इसके अंदर जो है मज़ीद जो सब यूनिट्स हैं वो ऐड करता जाएगा डीएनए पॉलीमरेज 1 इस ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में। और जब ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएंगे तो डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है जो कि इन फ्रेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन कर देगा, जोड़ देगा, तो ये आपके पास एक लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म हो जाएगा, जो कि एक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट स्मॉल से, ये ओकाज़ाकी बेसिकली साइंटिस्ट था जिसने लैगिंग स्ट्रैंड के पूरे एक जो प्रोसेस है, जो बनने का प्रोसेस है, उसको एक्सप्लेन किया, इसलिए इन फ्रेगमेंट्स का नाम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं। और ये फ्रेगमेंट्स बनते जाएंगे, पर बनेंगे 5 to 3' डायरेक्शन में ही, बेशक स्ट्रैंड आपके पास दूसरा है, स्ट्रैंड हमें नहीं कर रहा है कि वो स्मूथली जिस तरह लीडिंग स्ट्रैंड बना है इसी तरह वो लैगिंग स्ट्रैंड में नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पर आपके पास 5' खाली है, तो आपने रेप्लिकेशन 3 to 5 तो करनी नहीं है, आपने 5 to 3 करनी है, तो 5 to 3 ही होगी बट फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में होगी। तो क्लास दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो लैगिंग स्टैंड जो है वो देखिए रेप्लिकेशन फोक, ये जो सेंटर में जो पोर्शन है ये फोक का, ये अगर टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोक जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, लीडिंग स्टैंड जो कि टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोक फॉर्म होगा, वाइल जो लैगिंग स्टैंड है वो इलोंगेट करेगा या फॉर्म होगा या उसकी रेप्लिकेशन होगी या फॉर्मेशन होगी अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक, ठीक है। लीडिंग स्टैंड कॉन्टिन्यू स्टैंड है, जबकि जो लैगिंग स्टैंड है इट विल सिंथेसाइज डिसकॉन्टिन्यूसली एज अ सीरीज ऑफ शॉर्ट सेगमेंट्स विच आर लेटर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो ये आपके पास क्लास पूरा एक प्रोसेस था डीएनए रेप्लिकेशन का, जिसमें हमने डिफरेंस पूरा जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है इसको हमने एक्सप्लेन किया, इसमें लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड को देखा कि किस तरह से दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो उनकी जो सिंथेसिस हैं वो किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं जिनका रोल है इन होल रेप्लिकेशन प्रोसेस में, एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसको आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट योर टूडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।